आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में दीपावली व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में 9 निद 12 सिद्ध होती है, दुख व दरिद्रता का नाश होता है, सुख संपन्नता का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के बहुत ही सुशील और संस्कारी कन्या थी। वह नित्य पूजा पाठ कर पीपल में जल सींचने जाती। एक समय कार्तिक माह चल रहा था। ब्राह्मण की बेटी पीपल सींचकर घर आने लगी तो पीपल में से लक्ष्मी जी निकली और ब्राह्मण की बेटी पर प्रसन्न होकर बोली कि तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं कल अपने माता पिता से पूछ कर आऊँगी, फिर बनूँगी। लड़की घर आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, पीपल में से एक लड़की निकलती है और मुझे कहती है मेरी सहेली बन जा। ब्राह्मण ने पूछा, वो देखने में कैसी है? लड़की ने कहा, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, तीजा की सी तीजनी, गुलाब का सा रंग, अर्थात देखने में अत्यंत रूपवान, सौंदर्यवान व वाणी में मिठास लिए हुए है। ब्राह्मण बोला, बेटी, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, तू उसकी सहेली बन जा, और अपने को क्या चाहिए। अगले दिन लड़की जब पीपल में जल सींचने गई तो लक्ष्मी जी वैसे ही बोली। लड़की ने कहा, हाँ, हम सहेली बन जाते हैं। तब दोनों आपस में सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की बेटी को कहा, कल तुम मेरे यहाँ भोजन करने आना। लड़की ने आकर अपने पिता से कहा। पिता ने कहा, चली जाओ। जब वह लक्ष्मी जी के घर भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे। जब लड़की भोजन करके वापस घर आने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और बोली, अब मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगी। लड़की ने कहा, ठीक है, और घर आकर उदास होकर बैठ गई। पिता ने पूछा, क्या बात है? तो बेटी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा है अब वह भी हमारे घर भोजन करने आएंगी, पर अपने पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि उनकी सेवा कर सकें। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अपने पास जो है वैसा ही उन्हें खिला देंगे, बस तुम एक काम करो, आज दीपावली का दिन है, चौक को लीप पोंछ कर चौमुखी दिया जगाकर एक लड्डू पास रखकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाना। लड़की ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में एक चील आकाश से उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में 9 लखा हार था। चील लड्डू तो उठाकर ले गई और 9 लखा हार छोड़ गई। ब्राह्मण की बेटी हार पाकर बहुत खुश हुई और वह उस 9 लखे हार के बदले सोने की चौकी, सोने का थाल, लक्ष्मी जी की साड़ी और 36 प्रकार के भोजन बन जाएं इतना सामान ले आई। घर आकर भोजन बनाया और लक्ष्मी जी को भोजन का आमंत्रण दिया। जब लक्ष्मी जी चलने लगी तो उन्होंने गणेश जी को भी साथ ले लिया। आगे आगे तो गणेश जी चले, पीछे पीछे लक्ष्मी जी।
जब वह ब्राह्मण के घर पहुँचे तो बेटी ने उनके बैठने के लिए चौकी बिछा दी और बोली, इस पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, चौकी पर तो मैं राजा और रानी के भी नहीं बैठती। तब वह बोली, मेरे तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे माता पिता, भाई भतीजे, बेटे पोते, बहुएं, बेटी जवाई कैसे जानेंगे कि लक्ष्मी जी मेरी सहेली बनी थी। तब गणेश लक्ष्मी जी चौकी पर बैठे। ब्राह्मण की बेटी ने उनकी खूब खातिरदारी की। गणेश लक्ष्मी ब्राह्मण की बेटी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अष्ट सिद्धि नवनिधि का आशीर्वाद दिया। गणेश लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर अन्न धन के भंडार भर गए। रिद्धि सिद्धि सहित समृद्धि का निवास हो गया। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी के भंडार भरे, वैसे सब के भरना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा करना, अष्ट सिद्धि नवनिधि देना, घर में सुख समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।